इकबाल अशर का एक शेर है कि ठहरी ठहरी सी तबीयत पे रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत पे रवानी आई, फिर कोई याद मोहब्बत की पुरानी आई। और ये भी शेर है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे रवानी आई। तो मोहब्बत में एक ऐसा वक्त होता है जब आप खुशबू से महके होते हैं, जब आप रोज कह रहे होते हैं, रोज जी रहे होते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य का सवाल है और सौभाग्य का क्षण है हम सब के लिए कि हिंदी और उर्दू की नई कायनात में इन दोनों लोग लिख रहे हैं, वे हमसे और हमसे पिछले लोगों से बेहतर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत कीजिए मनीषा शुक्ल का जोरदार तालियों के साथ। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और मशीनों के बीच रहते हुए मैंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिज्म की संवेदना है और कविता संवेदना का मैकेनिज्म। यही से मेरे कविताओं की शुरुआत हुई। चार पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। कि महकते लोग थे हरसू, वो खुशबू का जमाना था। महकते लोग थे हरसू, वो खुशबू का जमाना था, जुबान से इश्क होता था वो उर्दू का जमाना था। जुबान से इश्क होता था वो उर्दू का जमाना था, और लबों से शोखियां गायब, दिलों पर लाख पहरे हों। लबों से शोखियां गायब, दिलों पर लाख पहरे हों, निगाहें बात करती थी वो जादू का जमाना था। निगाहें बात करती थी वो जादू का जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे इसी मिजाज के देती हूँ और उसके बाद कुछ तरन्नुम से सुनाने की कोशिश करूंगी। कि फकीर दिल को भी शहजाद करने निकला है, फकीर दिल को भी शहजाद करने निकला है, मेरी तन्हाइयां आबाद करने निकला है। ये कहने आई थी हिचकी मुझे तसल्ली रख, ये कहने आई थी हिचकी मुझे तसल्ली रख, वो घर से आज तुझको याद करने निकला है। और चार पंक्तियों से ये साबित करने की कोशिश करती हूँ कि हिंदुस्तान में सब कुछ बदल सकता है लेकिन प्रेम का स्वरूप नहीं बदल सकता। सुनिए। और कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क एक ऐसा ख्वाब है, एक ऐसा सपना है जो अगर आपकी आंखों में जाग जाए तो नींद नदारद हो जाती है। सुनिएगा। जो रह रह कर उमड़ता है वही सैलाब रखा है, जो रह रह कर उमड़ता है वही सैलाब रखा है, जरा सी आब रखी है जरा सा ताब रखा है, अभी नींदों से कह दो मेरी आंखों में नहीं आई, अभी नींदों से कह दो मेरी आंखों में नहीं आई, मेरी पलकों के नीचे एक अधूरा ख्वाब रखा है, मेरी पलकों के नीचे एक अधूरा ख्वाब रखा है, मेरी पलकों के नीचे एक अधूरा ख्वाब रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छे मनीषा, वाह। प्रेम का एक गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छे मनीषा, बहुत। प्रतीक्षा का गीत है। हमसे पूछो दिन में कितने दिन, रातों में कितनी रातें, हमसे पूछो दिन में कितने दिन, रातों में कितनी रातें, हमसे पूछो कोई खुद से कर सकता है कितनी बातें, हमसे सकता है कितनी बातें, हमसे पूछो। और जब लिखने पढ़ने वाले लोग प्रेम में प्रतीक्षारत होते हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छे बड़े होते हैं। कागज मीठा हो जाता है उसका नाम लिखा जाए तो, कागज मीठा हो जाता है, कागज मीठा हो जाता है उसका नाम लिखा जाए तो, बातें खुशबू हो जाती हैं।
उसके होठों पर आए तो मुस्कानों की उम्र बढ़ी है जब से उसने होठ छुए हैं। दोष किसी को देना क्या, हम पागल अपने आप हुए हैं। इंतजार में बैठेंगे तो शायद जान बचा ले अपनी। इंतजार में बैठेंगे तो शायद जान बचा ले अपनी। लेकिन इतना तय है